हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। टीवी पर सुपर डुपर हिट शोज के दूसरे सीजन का ट्रेंड चल चुका है, जहां हाल ही में हमने देखा कि साथ निभाना साथिया का दूसरा सीजन आया, तो वहीं अब बहुत जल्द कलर्स पर ससुराल सिमर का भी नया सीजन आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब एक और शो का नया सीजन पर्दे पर जल्द ही शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलर्स पर आने वाले उस शो की, जिसने 8 साल के लंबे अरसे तक दर्शकों को एंटरटेन करा और 8 साल के लिए ये ऑन एयर रहा, यानी कि बालिका वधु। जी हाँ, वही बालिका वधु जिसमें आनंदी का अलग अंदाज दर्शकों के दिलों को छू गया था। आनंदी और जग्या की जोड़ी, यानी कि अविका गौर और अविनाश मुखर्जी की जोड़ी, जिसमें हमने देखा था कि बाल विवाह जैसे सोशल इश्यूज को उठाया गया था और इस सीरियल के साथ दर्शकों ने अपने आप को कनेक्ट भी किया था। राजस्थान की बैकग्राउंड पर बना ये शो कलर्स का सुपरहिट शो बन गया था और कलर्स की TRP को उठाने वाला ये एक बहुत बड़ा पिलर भी साबित हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से इसी शो का दूसरा सीजन लेकर तैयार है मेकर्स, जिसमें कहानी पूरी तरह से अलग होने वाली है इस बार, क्योंकि इस बार आपको एक पीढ़ी की छलांग देखने को मिलेगी शो के अंदर, जहां पर आनंदी की बेटी निम्बोली की कहानी आप सबके सामने परोसी जाएगी। पहले सीजन में जहाँ पर अविका गौर और अविनाश मुखर्जी ने मेन लीड निभाया था, तो वही इस बार आपको न्यू मेन लीड एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। सोर्सेस की माने तो शो के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी कहानी को मंजूरी भी दे दी गई है और बालिका वधु को पूरे के पूरे नए सिरे से शुरू किया जाएगा। ये शो अभी तो फिलहाल अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इस शो में आपको पुराने सीजन के कलाकार भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने स्टार प्लस के शो साथ निभाना साथिया में भी देखा, वैसा ही यहाँ भी होगा, यानी कि वापस आ रही है आपकी चहेती अविका गौर आनंदी के किरदार में, जिससे वो सीजन 1 को सीजन 2 से जोड़ पाए। तो कितने एक्साइटेड हैं आप ये देखने के लिए, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।